ਜੀ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲਾਖਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ क्या हुआ था भैया सर गाड़ी ओवरलोडेड थी और रास्ते में खड्डे वगैरह भी थे के लोग के साथ में शॉकर वगैरह टूट गई कितने बजे की बात है जी सर कोई 8 बजे अनबैलेंस हो गई गाड़ी अनबैलेंस हो गई गाड़ी जो तो शॉकर भी टूट गए हाँ ये भी ये जोरी बोले जी ब्रेक फेल हुई ओवरलोड ही छत बैठे 50-60 बंदे कितने बजे की गल है 8 आप स्कूल के लिए जा रहे थे हाँ जी कॉलेज के लिए ये कहाँ की बात है सांबा जी सांबा गाड़ी ओवरलोड 50-60 की गर्दन कटी 5-7 आम काम जी भैया क्या नाम है हमारे उधर से गाड़ियाँ वहाँ से गाड़ी आती है 1 घंटे के बाद और स्टूडेंट गाड़ी आती है जब तो नीचे हमारे गाड़ी ओवरलोड हर एक गाड़ी तो वहाँ पे फिर इनके टाइम नहीं होते गाड़ी है और मवा जा मवा है तो वहाँ पर गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं 3-3-4 फिर उनसे सभी गाड़ी वाले एक आगे एक पीछे सभी आज सांबा के अंदर जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है उसके ऊपर मैं पब्लिक से अवेयर करना चाहता हूं कि जो भी ओवरलोडिंग बसेज हैं उनमें ना जाएं और जो आज का हमने नया इंसिडेंट सुना है जो सांबा में 3 स्टूडेंट और एक पैसेंजर जो है उनकी डेथ हो चुकी है तो मैं इसके बहुत ही शर्मनाक समझता हूं गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्होंने ये हरकत हुई है कहाँ गई आज वो पुलिस जो नाके लगा के बैठती है कहाँ पे है वो सब आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके लिए आज तक अभी तक यहाँ पे कोई एमएलए नहीं पहुँचा है कोई यहाँ का गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया हुआ है हम यहाँ पे एनएसएस कॉमर्स कॉलेज टीम से हैं और यहाँ पे पूरा योगदान देने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं मैं एक बार फिर से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा ना हो सके सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ी ओवरलोडिंग थी बिल्कुल इसके बारे में आप क्या कहने जाएंगे देखिए गाड़ी जो ओवरलोडी थी उसमें सबसे ज्यादा जो है कि वो ड्राइवर का है कि उसने ओवरलोडिंग कैसे होने दी अगर उसके अंदर मेटाडोर के अंदर
25 से 30 बंदे पैसेंजर जो बैठे जाते हैं तो उसके अंदर 40 से 50 कैसे बैठ गए, ये हम पूछना चाहेंगे, ये हम पूछना चाहेंगे पुलिस से भी कि ये कैसे बैठ गए। अगर 30 आदमी बैठे जाते हैं उसमें अंदर कैसे बैठ गए 40, कहाँ गई वो पुलिस जो नाके लगा के बैठती है, कहाँ गए वो गवर्नमेंट वाले जो इतने ऑर्डर निकालते हैं कि मेडिटोर के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं उन सब के लिए कहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा ना हो उसके लिए ये नया कोई प्लान बनाया जाए। थैंक यू जी सर। सर जहाँ पे सांबा में एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेजेडी है, यहाँ ना सरकार है ना सिस्टम है ना डिपार्टमेंट है ना ट्रांसपोर्टेशन है। गाड़ी में 20 लोगों की जगह है, आप 50 लोग बैठा देते हैं, गाड़ी में टायर है नहीं, आधे लोग जो हैं वो सिर्फ क्योंकि लीडरों ने उनको परमिशन दे रखी है चलते हैं। जम्मू कश्मीर में ये हाल है कि 10-15 लोग तो एक्सीडेंट से मर जाते हैं और 10-15 लोग तो गोली से मर जाते हैं और 50 लोग तो बॉर्डर पे मर जाते हैं या लोगों की गोलियों से। या ना सरकार है ना यहाँ सिस्टम है। और शर्म की बात है कि मोदी साहब बड़ी लंबी चौड़ी पगड़ी लेकर भाषण देते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार कोई नहीं है, आरएसएस सरकार नहीं चला सकती है, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ।